और इसी कड़ी में दुर्ग यातायात पुलिस विभाग द्वारा भी शुरू की गई सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत तृतीय लिंग समुदाय द्वारा जन जागरूकता अभियान में हिस्सा लेकर लोगों को किया जागरूक। तृतीय लिंग समुदाय के लोगों ने चलाया जागरूकता अभियान। यातायात सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत दुर्ग के पटेल चौक स्थित चौराहे पर गुरुवार को तृतीय लिंग समुदाय के लोगों ने यातायात पुलिस विभाग के साथ सहभागिता निभाते हुए वाहन चालकों को हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग करने जागरूक किया। इस अवसर पर ट्रैफिक विभाग के साथ बड़ी संख्या में तृतीय लिंग समुदाय के लोग शामिल रहे। इस अवसर पर ट्रैफिक विभाग के जवानों सहित तृतीय लिंग समुदाय के लोगों ने वाहन चालकों से चर्चा कर वाहन चलाते समय सावधानी बरतने के साथ ट्रैफिक नियमों का पालन करने आग्रह किया। इस संबंध में न्यूज टीम को शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सुरक्षा सप्ताह चल रहा है जिससे हमने भी अपनी भागीदारी दी और हमने लोगों से अपील किया कि वो हेलमेट लगाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, नो पार्किंग पे गाड़ी ना खड़े करें, सीट बेल्ट लगाएं, नशे करके गाड़ी ना चलाएं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें। इसकी हमने लोगों को समझाइश दी और हम पिछले 2 सालों से यातायात पुलिस के साथ मिलकर इस अभियान में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। हमने देखा है कि बहुत से अभी नाबालिग बच्चे हैं जो कि बहुत स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं, उनको भी हमने समझाई थी और हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये अपील करते हैं कि वो ट्रैफिक नियम का पालन करें, नाबालिग बच्चों को गाड़ी ना दें ताकि कोई भी और समय रहते अपना यातायात नियम का पालन करना चाहिए। और जब रेड बत्ती जलती है तो उसके हमें खड़े होना चाहिए और स्पीड ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। हम लोग आए हैं, अभी ट्रैफिक सप्ताह चल रहा है तो हम लोगों को जागरूक करने आए हैं कि वाहन चलाते समय हेलमेट वगैरह का उपयोग करें। और अभी अधिकतर देखा जाता है कि लोग ट्रैफिक चलाते समय हेलमेट का यूज नहीं करते, तो हम लोग उसको जागरूक करने आए हैं कि हेलमेट लगाए। पॉम्पलेट दिखा रहे हैं, पोस्टर बांट रहे हैं सब लोग के साथ में और हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले भैया लोग हैं उन लोगों के साथ, सब लोग जागरूक करने आए हैं हम लोग। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।